वेट, ये काला क्या आला क्या है? ओ भाई, हम पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे माउंटेन्स है कुछ। ओ तो एक बार एक बंदा एक बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल वॉरियर था, पर सब उसको हरा देते थे उसकी कमजोरी की वजह से। फिर उसने डिस्कवर करा गेट्स ऑफ शैडो। इसने कुछ तो लगाया यहाँ पे और ये खुल चुका है। वेट, ओ भाई, गेट्स ऑफ शैडो इसे एक अलग ही वर्ल्ड में ले आया और यहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे जिसने इसकी बॉडी को अपनी पावर से राख करके एक शैडो बना दिया और यहाँ से इस शैडो की स्टोरी स्टार्ट होती है। और अब ये लड़ सकता था बंदों से, इसके पास थी पावर्स, तो अब इसे डीमन से फ्री होना था और गेट्स ऑफ शैडो से बाहर निकलना था। और ये पता नहीं क्या है, ओ इसने ऐसे लिखा है, वेट इसने एच लिखा है और ये ओ इसने ए लिख दिया। वेट ये क्या हो रहा है, ये कुछ लेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने डी लिखा है और इसने लिखा है ओ। ओ भाई, इसने तो अर्थ के लिए आया और डब्ल्यू। वेट ये कौन है भाई, शैडो फाइट टू। तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग? आज हम खेलने जा रहे हैं एक नई गेम जिसका नाम है शैडो फाइट टू। तो गाइस अभी हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट और आप यहाँ पे देख रहे होगे, भाई वेट तू कौन है भाई, तेरे पास स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें कैसे है? तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले जब मैंने गेम खेलनी शुरू करी थी ना, तब जो मैंने दूसरी गेम डाउनलोड करी थी उसका नाम था शैडो फाइट टू और पता नहीं कैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, पर मेरी पुरानी आईडी आ चुकी है वापस। ये होता है निंजा स्टार, ये होता है मैजिक बॉल, ये होती है किक्स और ये होते हैं पंचिस, पर हमारे पास वेपन है इसलिए ये भी चलता है और ये अलग अलग मूव्स से चल सकता है, ये देखो। और गाइस शैडो फाइट एक ऐसी गेम है जिसके ना पूरे वर्ल्ड में 22 नंबर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स है। तो हाँ आज हम इसे खेलने वाले हैं और आप मतलब देख ही सकते हो भाई मैं बहुत आगे तक इसमें पहुँच चुका हूँ। मेरे पास दो सील है, ब्लू सील और ग्रीन सील। और गाइस वो स्टार्टिंग में जो करेक्टर्स आए थे ना जिनने लिखा था शैडो फाइट टू, वो है बचर, हरमिट, लिनक्स, वास्प, विडो और शोगन। और लास्ट में जो वो एक मॉन्स्टर आया था वो था टाइटन, जो गेट्स ऑफ शैडो खुलने के बाद आता है। शोगन के बाद एक गेट्स ऑफ शैडो खुलता है। तो हाँ अभी तो हम हैं बचर पर और भाई मैंने बहुत मेहनत करके ना लिटरली आपको मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, भाई चौंक दोगे। यहाँ पे मेरे पास एक वेपन है जो पूरा जेम्स को मिलता है और इस पर इंचांट भी है बॉम्ब वाली, मतलब अगर हम इससे कोई कॉम्बो मारते हैं ना तो बंदे के ऊपर बॉम्ब फूट जाता है। उसका डायमंड 435 है। यहाँ पे मेरे पास आर्मर है जिसका नाम है रिवन हर्ट। तो ये हमारी एचपी नहीं बढ़ाता भाई, यहाँ पे ये रीजनरेशन हमें दे देता है जो माइनक्राफ्ट में भी होता है। एक पोशन होता है रीजनरेशन का जिसे पीने के बाद हमारे हार्ट जल्दी से रीजन होते हैं। और ये आर्मर बेसिकली वही काम करता है, पर अभी मैंने इसे इंचांट नहीं कर रखा। एक सेकंड भाई, मैं इसे अभी इंचांट भी नहीं कर सकता, बहुत पैसे लगेंगे भाई इसे इंचांट करने के लिए। पर इंचांट करने के लिए गाइस एक अलग मटेरियल लगता है। तो हाँ अभी हम इसे इंचांट नहीं कर सकते। और मेरे पास गोल्डन हॉर्न हेलमेट है, निंजा स्टार में मेरे पास है स्टील डार्ट्स और मैजिक में एनर्जी बॉल। और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जेम्स की है और ज़्यादातर मैक्स और की है। तो आज हम बचर को हराने वाले हैं और आपको याद दिला दूँ बचर ने लिखा था डब्ल्यू। और जब हम इन सबको हरा देंगे मतलब हम एक शैडो, परफेक्ट शैडो बन चुके हैं और तब हम गेट्स ऑफ शैडो में जा सकते हैं, क्योंकि इन सब ने मिल के ही शैडो लिखा था। तो अभी इसके पहले बॉडीगार्ड से फाइट कर लेते हैं। तो मैंने इसका एक बॉडीगार्ड हराया था पहले जो बर्ड थी, तो अभी हम इसके दूसरे बॉडीगार्ड को हराने वाले हैं जिसका नाम है राइनो। तो हाँ अभी हम इसे हराने के लिए जाते हैं, पर अभी तक ये हमारे लिए बच रहा है।
भाई अभी हमारे लिए ना एक बच्चा है लिटरली, क्योंकि जो आप मेरे पास वेपन और आर्मर देख रहे हो ना, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और अब मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। और देखो इस पे बॉम्ब फूटा क्योंकि मैंने इस पे कॉम्बो मारा था थोड़ा, और ये मैंने इसे पीछे घेरा, और यहाँ पे एक निंजा स्टार मारना है बस। आ जा भाई तू, इसको तो हमने राउंड वन में हरा दिया, अभी राउंड टू आने वाला है गाइस, तो अभी मैं इसे जल्दी से राउंड टू में हरा देता हूँ, क्योंकि हमें इसके आज सारे बॉडी गार्ड्स को हराने के बाद खुद हराना है बचर को जिसने लिखा था W। तो जल्दी से पहले इसे हरा देते हैं। वेट, ये तो मुक्के मार रहा है भाई मेरे को, अभी देख मैं क्या करता हूँ इस तेरे साथ। गाइस अभी हम मैं इस पे मारने वाला हूँ मैजिक, और आप देखना मैजिक से इसे कितना डैमेज जाता है। वेट, पर मैजिक मारने के लिए पहले मेरे को थोड़ा रिलोड करना पड़ेगा, और अभी देखना आप मैजिक का तमाशा। तो जल्दी से मैं पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मैजिक दूर से मारते हैं, और एक मैजिक बॉल में ही, और मेरे मैजिक का नाम है इलेक्ट्रो बॉल, एक इलेक्ट्रो बॉल में ही ये पूरा खलास हो चुका है, और हमको 22,000 कॉइन्स मिले हैं। ओके, आई विल हैव टू थिंक ऑफ अ न्यू प्लान, आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डैट, अ शिप अवेट्स मी फारवेल। तो अभी हम ड्यूल हमारा खुल चुका है अब, क्योंकि हमने दो बॉडीगार्ड हरा दिया है, बाकी सब तो मैंने पूरा करवाया, बस ड्यूल ही रहता है। यहाँ पे भी मैंने सब पूरा करवाया है, तो इसका ड्यूल अभी नहीं खेलेगा क्योंकि अभी तो हमें इसके सारे बॉडीगार्ड्स को हराना है। तो चलो चलते हैं बॉडीगार्ड्स को हराने की तरफ। तो अभी हम इसके सेकेंड नहीं थर्ड बॉडीगार्ड से लड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुल। और भाई मेरे को तो लग रहा है इसके पास कतई तगड़ा वाला वेपन है, तो इससे थोड़ा संभाल के लड़ना पड़ेगा, पर भाई इसको भी नहीं छोड़ने वाले, इसको भी हरा देंगे, कोई भी आ जाए सबको आज हम ही हराएंगे, आने दो तुम्हारे बॉस को भी बचार को भी देख लूँगा। तो चलो अभी हम इसको हराने की कोशिश करते हैं, और कोशिश क्या करी भाई, इसकी तो इतनी अच्छी चली गई, थोड़े निंजा स्टार भी खा ले भाई। ओ मेरे को पटकी देगा, जरा डैमेज देखना कितना पड़ा है, कुछ नहीं होता, बेचारा कमज़ोर है लगता है, पर अभी हम इसको हराने वाले हैं। लेट्स गो, राउंड वन हम जीत चुके हैं, राउंड टू आने वाला है, तो जल्दी से अभी राउंड टू में भी इसे हरा देते हैं। और इसमें हराने के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मैं इसे ज़्यादा हिट नहीं मारूंगा, मैं थोड़ी हिट में इसे मार दूंगा। अरे यार इसने खुद ही सुसाइड कर दिया भाई, मैं इसे मैजिक से मारना चाहता था, कुछ नहीं होता, बेचारा बॉम्ब से फूट के मर चुका है। अभी हमने इसको भी हरा दिया है, लेट्स गो, अभी हम हराने जा रहे हैं बचर के फोर्थ बॉडीगार्ड को, जो शायद से मुश्किल होएगा, पर हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, 32,000 कॉइन मिलेगी उससे। पर वेट, उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो हमें एक रिवॉर्ड मिला है ना जम का, ये ले लेता हूँ भाई। ये जम कमाने में जो मेरी हालत टाइट हुई थी ना, पूछो मत, अभी इसको अपग्रेड कर देते हैं, और एक जम से, ओ भाई हमारा ये वेपन हो चुका मैक्स, बस ये मैक्स करना रहता है, जिसे करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही हरा देंगे भाई, हमारे पास बहुत अच्छा आर्मर और सब है। तो अभी आने वाला है रेड हेड, और राजा भाई कोई नहीं तू, हम हराएंगे तेरे को, देखते हैं। और ये इसका सेकंड लास्ट बॉडीगार्ड है, तो हाँ शायद ये ज़्यादा पावरफुल होएगा, पर हमारे पास भाई बहुत तगड़ा आर्मर है, और इसको हराने के लिए मैं अपना यूज़ करने वाला हूँ मैजिक सेकंड राउंड में। और भाई फिर तो इसका भुरता बन जाएगा बिल्कुल ही, उसके पास वो वेपन है भाई, ये वेपन ना मैं पहले चलाता था हर्मिट को हराने के लिए, परफेक्ट भाई, स्टार्ट होने के पहले 3 सेकंड में मैंने इसे हरा दिया। अब बताओ भाई ये हमसे लड़ेगा, इस वेपन को मैं हर्मिट को हराने के लिए यूज़ करता था, हमारे सामने ये नहीं चलेगा एक और बार। वाह भाई वाह, इस बार भी 4 सेकंड में हरा दिया, पिछली बार 3 में हराया था, पर ये भी बढ़िया है भाई, ये तो पता भी नहीं चला बेचारा कब हारिया, बेचारे की टाई टाई फिश कर दी। इट यूज टू बी ऑल अबाउट हैविंग फन ब्रेकिंग रूल्स बीइंग यंग बट थिंग हैव चेंज सो मच दिस कल्ट, भाई कल्ट क्या ये, इज टू सीरियस, इट्स नॉट फन एनी मोर। अच्छा, हर्मिट वॉर्न्ड अस अबाउट बचर्स गैंग बट दिस इज मच वर्स, ही हैज बीन मिसलीडिंग चिल्ड्रन टर्निंग देम बिल्डिंग हिज ओन प्राइवेट आर्मी, ओ दैट्स डिसगस्टिंग, हाउ
could he do such a thing? Give me your sword and I will kill him myself. भाई मेरे को मारना है वेट हर्मिट को, और अभी आने वाला है रीपर और उसके पास बढ़िया वेपन है, तो इससे थोड़ा बचना है। ये वेपन भी एक्चुअली मेरे पास है, शायद से ग्रीम स्काइट है, पर यार इस पर चेन है, मेरे को अब नहीं लग रहा, चेन देख के ना ये ग्रीम स्काइट नहीं लग रहा, अभी मेरे को पता चल जाएगा। भाई मेरे को पता है ग्रीम स्काइट कैसा होता है, इसे एक बार रिंग में आने दो। ओ भाई इसके पास ग्रिम स्काइट नहीं, इसके पास तो ब्लड रिपर है। ये वेपन भी मेरे पास है और भाई ये बहुत तगड़ा वेपन होता है। वेट यार मेरे को लग ही रहा था ये ब्लड रिपर है, क्योंकि ग्रिम स्काइट की ना जो ये आगे वाली कोनी होती है बहुत बड़ी होती है। ब्लड रिपर एक बहुत बढ़िया वेपन है गाइस, इसने मेरी थोड़ी सी एच पी खाई है, बाकी वरना बाकी सब तो खा भी नहीं रहे थे क्योंकि इसके पास ब्लड रिपर है भाई। ओ भाई देखा भाई ये कितना बढ़िया चलता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास भी है ये, पर उससे पहले बेचारे का खेल ख़त्म कर देते हैं ना। उसके बाद आज हर्मिट चाचा को भी हराने जाना है, आ जा भाई तू हमसे लड़ने आया है। वेट अभी मेरे को ना इसे नीचे से मारना पड़ेगा। ओ भाई अभी मैं बचा ये मैजिक यूज़ कर देता और मेरा मैजिक बच गया भाई, मेरे को मैजिक से मारना चाहिए था, मज़ा आता ना भाई थोड़ा देखने में। तो हमें एक एडवांसमेंट मिली है, वेट मेरे को देखनी पड़ेगी क्या मिली है, और हमें कॉइंस तो देखो भाई कितने मिले हैं। वेट अभी हमें चला हराने हर्मिट को नहीं बचर को भाई। माय डिफीट मींस नथिंग, दिस आइलैंड विल बी योर ग्रेव, बचर विल टेक योर लाइफ अवे। ठीक है भाई, बचर एक्सेप्टेड योर चैलेंज। और गाइस हर एक बॉडीगार्ड को हराने पे हमें ना एक सील मिलती है, और मेरे पास दो सील है, ये निशानी होती है, हमने हराया इन दोनों बंदों को। ये है हर्मिट की सील, ये है लिनक्स की सील। और यहाँ पे अभी मेरे को एक चीज़ मिली थी भाई, वेट कहाँ गई भाई वो, लगता चली गई भाई। वेट ये कौन सा ग्लिच हो गया, चलो कुछ नहीं होता, अपने पास जेम्स की कमी है, पर कभी और ले लेंगे जेम्स। और हमारे पास 1,10,000 कोइंस हो चुके हैं, पर मैं आर्मर अपग्रेड नहीं करूँगा, आगे जो वास पे आर्मर आएगा ना वो बहुत महंगे होने वाले हैं, उसके लिए बचाते हैं। लेट्स गो अभी करते हैं बॉस फाइट, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव, आई टीच देम ट्रेन देम रेस देम टू कट एंड श्रेड, मेडलिंग फॉल्स नाउ आई विल टीच यू अ डिफरेंट लेसन। तो आज भाई देखते हैं कौन किसको टीच करेगा डिफरेंट लेसन, लड़ ही लेते हैं आखिरकार, पता ही चल जाएगा कौन है बंदर और कौन है सिकंदर। आजा भाई तू भी आजा लड़ने के लिए, सबको हराएगी अपन। और गाइस जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और उस बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेगी। ओ भाई इसने तो गंदा वाला एक्स का चटका दिया। और वेट आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो इसने अर्थक्वेक से डब्ल्यू लिखा था ना, ये अभी भी अर्थक्वेक ला सकता है, इसके पास अर्थक्वेक की पावर है। और भाई मेरी एचपी, वेट ये तो बहुत तगड़ा है, उसने सही बोला था। वेट मेरे को सीरियस होना पड़ेगा वरना ये मेरे को हरा देगा प्लीज। ओ भाई बच गया मैं बार बार, मेरे को नहीं लगता मैं जीत पाऊँ, इससे ये बहुत तगड़ा है भाई। वेट मैजिक लेट्स गो, मैजिक से मैंने हरा दिया, पर मेरी एचपी देखो भाई साहब, सेकेंड राउंड। और गाइस बोसेस को हराने के लिए हमें टोटल 3 राउंड जीतने होते हैं, 2 नहीं जीतने होते, तो अभी ये सेकेंड राउंड है। और वेट इसने क्रिटिकल हेड हिट मारा, और ये है अर्थक्वेक, मेरी एचपी आधी कर दी भाई इसने, मैंने बोला था ना गाइस ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसने भाई अर्थक्वेक जो अभी लाया ना भाई साहब क्या खतरनाक था। और वेट अगर मैंने मैजिक यूज करा मेरी भी एचपी जाएगी, क्योंकि इसके पास इंचांटमेंट है, तो मैं ऐसे ऐसे मार दूंगा। फाइनल राउंड अगर मैं इसमें जीता तो भाई जीत गया, पर अगर ये जीता राउंड 4 भी होएगा, राउंड 5 तक मैक्सिमम हो सकता है। वेट भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, अभी मैं भी नहीं छोड़ने वाला, ये ले तू अर्थ की खिलाने वाला था भाई अभी ये, मेरी एचपी देखो कोई। वेट व्हाट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा इसको हराने के लिए, चाहे मेरी एचपी जाए पर भाई उसके बिना इसे नहीं हरा सकते। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वेट ये अभी अर्थक्वेक लाने वाला है मेरे को लग रहा है, लेट्स
ओ भाई मेरा मैजिक काम नहीं करा, अब तो मैं मरने वाला हूँ। लगता है मेरे को अपना आर्मर अपग्रेड करना चाहिए था। फाइनल राउंड, राउंड 5 प्लीज, अब मेरे को जीतना पड़ेगा। अब भाई सीरियस खेलो, ये बच्चा नहीं है भाई, ये तगड़ा है। ओ भाई ये निंजा स्टार फेंक रहा है नीचे, जब निंजा स्टार फेंक रहे होते हैं नीचे होना चाहिए। ये ले तो, ओ भाई आ जा, लेट्स गो। इसके पे थोन्स लगाया एक टाइप से। ओ भाई ये जीत चुका। वेट, अभी हमें अपना आर्मर अपग्रेड करना पड़ेगा, जल्दी से जाओ और आर्मर अपग्रेड करो भाई अपना। ओके भाई इसने तो धजिया उड़ा दी पूरी। एक मैं जेम ले लेता हूँ, अब ये ग्लिच ठीक हो गया बढ़िया, क्योंकि मेरे को अपना आर्मर अपग्रेड करने में जो टाइम लगेगा ना उसमें मैं जेम यूज़ कर लूँगा। अभी भी ये पूरा अपग्रेड नहीं हुआ है भाई, कितना अपग्रेड लेगा मेरा, सब मैक्स है इसके अलावा भाई। अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली, एक और बार पता नहीं क्या होने वाला है, बॉस फाइट। इस बार मैं सीरियस हुआ राउंड 1 से, क्योंकि ये खतरनाक है, आपने पहले ही देख लिया गाइस। भाई इसने सच्चे में मेरे को टीच कर दिया लेसन कि ये खतरनाक है। वेट अभी मेरे को इसे हराना होगा और मेरे को इसे एक लेसन टीच करना होगा। इसने फर्स्ट स्ट्राइक हेड हिट क्रिटिकल मारा है ना, ये ले भाई अभी मैं बदला लूँगा इसका। ओ भाई निंजा स्टार, इसके वेपन पे ब्लैडिंग लगी है यार। वेट ब्लैडिंग से ना मेरी एचपी जाती रहेगी, मतलब खून बहेगा मेरा एक तरह से, वो ब्लड रिपेयर पे लगी होती है। और ये वेपन क्यों नहीं काम कर रहा भाई मेरा, ये वेपन को क्या हो गया पता नहीं। लेट्स गो, काम हो कर लिया इसने आखिरकार। भाई तू ही मेरा एक सहारा है, लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई सब, अभी तो मैं मरते मरते बता। ओ भाई ये लिटरली बहुत खतरनाक है बचर, भाई कितना खाता है ये, बिल्कुल देख रहे हो मतलब। आ जा, अब मेरे को गुस्सा चढ़ चुका है भाई, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आ जा तू, ज़रा मैजिक देख, अभी मैं मैजिक यूज़ करूँगा, पर मैजिक दूर से ही काम करता है इसलिए मैं दूर जाने वाला हूँ। ओ भाई ये हर बार ना मैजिक से बच रहा है भाई मेरे, ये इसकी बात है, ये तो भाई बोलना पड़ेगा बढ़िया है। और मैं भी एक बार बच चुका हूँ इसके मैजिक से, वरना अभी लिटरली मेरी एचपी आधी हो जाती। वेट एक जगह पे खड़ा है, फ़ायदा नहीं उठा पाया मैं इसका। मैं अब कोई अलग मूव करता हूँ, इसे मेरे मूव पता चल चुके हैं शायद से, मैं इतनी देर से एक मूव कर रहा था ना अभी। वेट यार ये तो मेरे को पीट रहा है गंदा वाला। ओ ओ भाई प्लीज, ओ भाई दूर जाओ मैजिक प्लीज, लग जाओ। यस लेट्स गो, अभी हमने इसे मैजिक से एक बार मार दिया। राउंड 3 भाई, मेरे को अभी राउंड 4 भी जीतना पड़ेगा और राउंड 3 भी, तभी मैं जीतूंगा। और अभी मेरे को ये वाला करना चाहिए। वेट मैंने इसे बहुत जल्दी हराया, अब मेरे आ रहा है भरोसा आ रहा है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। लेट्स गो राउंड 4 भाई, तेरे को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। दो दो इस पे आए के इफेक्ट लग गया मेरे पे, ब्लीडिंग लगा दिया भाई इसने। ये ले दूर जाओ जल्दी। लेट्स गो गाइस, हमने हरा दिया है बचर को, फ्लैश मीट। ओके भाई साहब, इससे और बोसेस से हमें कॉइन्स नहीं मिलते ज़्यादा, पर ये जो है ना लेवल ये हमें बहुत मिलता है। और हम मेरा 19 लेवल चुका है, लेट्स गो टेक सील मोर और ओके। अभी वास्प को हराना है, हमें 68,000 मिलेगा एक्ट 4 पायरेट थ्रोन पर। भाई इम्पॉसिबल आ रहा है डिफिकल्टी उसे हराना। इट सेड वास्प हैज अ मैजिक एम्यूलेट विच ब्रिंग लक टू इट्स ओनर, एन एम्यूलेट यू से डैट साउंड्स फेमिलियर, आई वंडर इफ डैट्स द आइटम वी हैव बीन सर्चिंग फॉर। गेटिंग टू वास्प वॉन्ट बी ईजी, शी इज हैड सम ट्रबल रिसेंटली एंड हैज गोन इन टू हाइडिंग एनी वे, नॉट माई प्रॉब्लम,
जो अवेट गुड लक, गुड लक नहीं गुड लक है भाई वो। वेट प्रोफाइल हो चुकी है 19 की, एक बार देख लेते हैं। ओ वेट, मेरा टूर्नामेंट पूरा नहीं था क्या भाई? ओ मेरे को अब पता चल रहा है मैंने टूर्नामेंट नहीं खेला। और ये होते हैं ड्यूल, इसमें चैलेंज मिलते हैं, इसमें चैलेंज था नो किक्स, किक्स के बिना हरा हूँ। पर ये मैंने खेला नहीं क्योंकि मेरे को बचर पे जाना था और अभी हमने बचर को हरा दिया है। जल्दी से यहाँ पे जाते हैं, पर बाकी का सब जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होने वाली है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।